हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो फेविकोल जो अकाउंट का रजिस्ट्रेशन कराते समय हम जो गलती कर देते हैं जिसके कारण अपना अकाउंट नहीं खुल पाता है, तो वो पूरी डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए जो ये नए नए जो टॉपिक के अनुसार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले लोग क्या गलती करते हैं, जब भी वो कॉल करते हैं जो रजिस्टर करने के लिए नंबर है जो कस्टमर केयर नंबर पर, तो वो लोग पूछते हैं आपको कि आप जो ठेकेदार है या फिर ओनली लेबर है कि आप कारीगर है। तो दोस्तों उसमें बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि मैं लेबर हूँ, जैसे कोई मैं किसी ठेकेदार के आगे काम करता हूँ, तो उससे वो क्या समझते हैं कि ये लगभग नॉर्मल फेविकोल यूज़ करता होगा, तो इसका हम यदि रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। इसके अनुसार यदि हम ठेकेदार का बोलते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए मान जाते हैं। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि जो लेबर का बोलते हैं उनका अकाउंट ओपन नहीं करता है। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है, वो जब भी कॉल करें तो आप बोल देना है ठेकेदार हैं, आप ठेकेदार हैं तो ही इसमें रजिस्टर करवाए, वरना आप लेबर के अनुसार आपका रजिस्टर नहीं हो पाएगा। और सेकेंड दोस्तों गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि आप उनका जो बोलते हैं कि हम आपकी साइट पे विजिट करने आएंगे, तो आप फेविकोल की प्रोडक्ट यूज़ भी नहीं करते और आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो। तो दोस्तों आपको सबसे पहले फेविकोल के प्रोडक्ट तो यूज़ करने होंगे, जैसे एटेक्स है या फिर एजी स्प्रे या फिर उसका मरीन फेविकोल है या फिर अलग अलग फेविकोल आता है या फिर फेविकोल है, तो उनके प्रोडक्ट यूज़ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा और उसके रिवार्ड है वो भी आपको पॉइंट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आप जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा फेविकोल का प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो दोस्तों आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आपका साइट विजिट करने आएगा तो वो आपका आसानी से आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। और थर्ड ऑप्शन दोस्तों इसमें थोड़ा गलती करते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, आप उसको कॉल करते हो तो वो आता नहीं है। मैं अपनी साइट पर लगभग 1 महीना भी हो जाता है, 1.5 महीना भी हो जाता है, लेकिन वो रजिस्टर करने आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते इसका मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप 15 दिन हो जाते हैं वो नहीं आता है तो 15 दिन के बाद वापस कॉल करिए। आप यदि 2-3 बार कॉल करेंगे तो वो आ जाते हैं। अभी कोविड के कारण वो टाइम लगा रहे हैं, लेकिन मैंने भी ऐसे 2-3 लोगों का सुना है जो पहले तो नहीं आते थे, लेकिन लगभग 2 या 3 बार कॉल लगातार किया है तो वो आ जाते हैं रजिस्टर साइट विजिट पर रजिस्टर करने के लिए। तो दोस्तों आपके वो लगभग 15 दिन तक नहीं आते हैं तो आप उनको वापस से कॉल करिए और बोलिए कि वो अभी तक नहीं आई है, मैं उनका वेट कर रहा हूँ, तो आप जल्दी से भेजिए। तो आप इस प्रकार वापस से कोशिश करते रहिए। तो दोस्तों ये मेन मेन जानकारी थी, और बहुत सारे लोगों को जो उसमें लॉगिन की प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए ओनली कस्टमर केयर पे आप कॉन्टेक्ट करके ही उसमें लॉगिन हो सकते हैं। OTP के थ्रू आपको लॉगिन होना पड़ेगा, और वो जब भी आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा तब भी लॉगिन हो सकते हैं, वरना आप सीधा लॉगिन नहीं हो सकते। और बहुत सारे लोगों को दोस्तों गिफ्ट की प्रॉब्लम आती है, जैसे गिफ्ट के लिए आपने जो अप्लाई कर दिया लेकिन आपका गिफ्ट है 1-1 2-2 महीने तक आपका गिफ्ट आता ही नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए भी आप बार बार कंपनी से कॉन्टेक्ट करिए और आप चेक करिए, आप उस पर चेक कर सकते हैं एटेस्ट कि आपका गिफ्ट कहाँ पर पहुँचा है। और दोस्तों गिफ्ट आप कोई हैवी गिफ्ट मंगवाएंगे तो आपका जल्दी आने का चांस रहता है, आप नॉर्मल पॉइंट पे जैसे 100-150 पॉइंट पे कोई गिफ्ट मंगवाते हैं तो आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी, जो ये गलतियाँ मत करिए वरना आपका अकाउंट वो फेविकोल वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आपको ट्रिक दे दी है, तो दोस्तों इसके अनुसार आप अपना जो फेविकोल ऐप में रजिस्टर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं।